हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीडियो एसईओ के ऊपर। दोस्तों, हम लोग कंटेंट क्रिएट करने में, प्रोडक्शन में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अगर उस वीडियो को हम लोग व्यूअर्स तक नहीं पहुंचा पाए या फिर उसमें व्यूज गेन नहीं कर पाए तो इतने मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए वीडियो एसईओ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 6 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर बेस करके यूट्यूब एक वीडियो को रैंकिंग देता है। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड पूरे 6 पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझें एंड उसको अपने वीडियोस में जरूर इंप्लीमेंट करें ताकि आप भी अपने वीडियोस को हायर रैंकिंग में ला सकें एंड ज्यादा व्यूज गेन कर सकें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक वीडियो का लेंथ। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक, मतलब 2011, 12 एंड 13 में जो भी पॉपुलर वीडियोस थे यूट्यूब में, वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस थे। लेकिन अभी यूट्यूब ने इसको चेंज किया है एंड यूट्यूब अभी ज़्यादा जो लॉन्गर ड्यूरेशन के वीडियोस है उसको ज़्यादा प्रमोट करता है। एक रिसेंट स्टडी जिसको ब्रायन डीन ने किया था, उसमें ये पता चला है कि जो यूट्यूब के होम पेज हैं उसमें जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस का जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 14 मिनट्स के आसपास होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि यूट्यूब जो है वो लॉन्गर वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करता है। इसीलिए अगर आपके पास भी अच्छा कंटेंट है तो आप भी जो वीडियोस हैं वो 5 मिनट से ज़्यादा, मतलब 6-7 मिनट के आसपास तक वीडियो बनाएं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि कंटेंट उसमें होना चाहिए, उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए, ना कि आप उसको खाली ड्यूरेशन के ऊपर ध्यान रख रहे हैं और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कीवर्ड्स का यूज़ करना, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला हुआ है। एक वीडियो में एक कीवर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसको डेफिनेटली आपको समझना चाहिए एंड अपने वीडियोस में यूज़ करना चाहिए। एक बार अपने वीडियो का कीवर्ड पता करने के बाद आप उसको अपने टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में या फिर टाइटल में यूज़ करें। इवन जब वीडियो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी आप कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका वीडियो जो है वो ऑप्टिमाइज होता है एंड उसका हायर रैंकिंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर बेस करके यूट्यूब रैंकिंग करता है, वो है वॉच टाइम। एक पर्टिकुलर वीडियो का कितना वॉच टाइम है उसके ऊपर बेस करके उस वीडियो को रैंकिंग मिलता है। इसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। लेट्स से आपने एक वीडियो बनाया है जिसका ड्यूरेशन है 3 मिनट का एंड उसी टॉपिक के ऊपर कोई दूसरा यूट्यूबर वीडियो बना रहा है जिसका ड्यूरेशन है 10 मिनट का। ओके, अभी अगर आपके वीडियो को 1000 सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूअर्स फुल देख रहे हैं तो टोटल उसका वॉच टाइम हुआ 3 × 1000 इज इक्वल टू 3000 मिनट्स का। अगर दूसरा वीडियो है, अगर उसको सपोज फुल नहीं देख रहे हैं लेकिन हाफ तक अगर 1000 व्यूअर्स देख रहे हैं तो उसका टोटल वॉच टाइम हुआ 5 × 1000 इज इक्वल टू 5000 मिनट्स। मतलब दूसरे वीडियो का जो वॉच टाइम है वो आपके वीडियो से ज़्यादा है, हालांकि जो दूसरा वीडियो है वो लोग हाफ ही तक देख रहे हैं। लेकिन उस केस में जो दूसरा वीडियो है जिसमें वॉच टाइम ज़्यादा है, उस वीडियो को यूट्यूब हायर रैंकिंग देगा, ना कि आपके वीडियो को। तो इसीलिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वॉच टाइम के ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो समझना है वो है इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट एंड वॉच टाइम। आप हर एक वीडियो को आप अपने YouTube एनालिटिक्स में जाके देख सकते हैं कि उसमें सबसे पहला होगा इंप्रेशन, मतलब कितनी बार YouTube ने आपके वीडियो को किसी को दिखाया है। दूसरा है क्लिक थ्रू रेट, मतलब उस जो इंप्रेशन, जितना इंप्रेशन यूट्यूब ने दिया है उसमें से कितना लोग, कितने परसेंट लोग उस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं। देखिएगा, जनरली वो 5%, 3%, 2% ऐसा होता है। मतलब यूट्यूब तो आपके वीडियो को प्रमोट कर रहा है बट उसमें जो क्लिक थ्रू रेट है वो बहुत कम है। एंड उसके बाद आपका फाइनली आता है वॉच टाइम। ये तीनों चीज़ आपको हर एक वीडियो में एनालिटिक्स में जाके मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे साइड में आपको मिल जाएगा इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट और वॉच टाइम। तो इससे आपको पता लगेगा कि हर एक वीडियो जो है वो कितना बार इंप्रेस हो रहा है, कितना बार दिखा रहा है यूट्यूब एंड कितने लोग, कितने परसेंट लोग उसमें क्लिक कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देख रहे हैं कि क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है या फिर कम है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि अपने वीडियो का थंबनेल चेंज कर सकते हैं या फिर टाइटल वगैरह चेंज करके, मॉडिफाई करके आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो क्लिक थ्रू रेट है वो बढ़ा है, घटा है। इस तरह से आप अपने वीडियोस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यूट्यूब बहुत ही प्रिफर करता है, वो है एंगेजमेंट। एक वीडियो का एंगेजमेंट हो सकता है कि कितने बार उस वीडियो को शेयर किया गया है, कितना लाइक्स मिला है, कितना डिसलाइक मिला है या कितने लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, इनके ऊपर डिपेंड करके एक वीडियो का एंगेजमेंट लेवल पता चलता है। तो इसीलिए यूट्यूब वीडियोस जिसमें ज़्यादा एंगेजमेंट होता है, मतलब ज़्यादा बार उसको शेयर किया गया है या ज़्यादा लोग उसको लाइक कर रहे हैं या फिर डिसलाइक कर रहे हैं, ऐसे वीडियो को वो हायर रैंकिंग में रखते हैं। तो इसीलिए आपको भी अपने वीडियो में क्लियरली व्यूअर्स को इन्वाइट करना चाहिए कि आपने वीडियो को लाइक करें या फिर डिसलाइक करें। इस केस में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यह भी है कि सपोज किसी ने आपका वीडियो को डिसलाइक किया है और लेकिन उसने आपके वीडियो को कंप्लीट देखा है एंड उसके बाद डिसलाइक दिया है, तब भी
उस एंगेजमेंट को यूट्यूब हायर एंगेजमेंट ही मानता है। तो इसीलिए आपको व्यूवर्स को इनवाइट करना चाहिए आपके वीडियोस को लाइक करने के लिए या फिर डिसलाइक करने के लिए। इससे आपके वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा एंड आपके वीडियो का रैंकिंग हायर होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि रिसेंटली मुझे वीडियो एसईओ के ऊपर सर्च करते करते पता लगा है कि YouTube जो है वो एक वीडियो अपलोड करने के बाद विद इन 2 hours, विद इन 2 days एंड विद इन 7 days में कितने व्यूज आते हैं उसके ऊपर बेस करके एक वीडियो को रैंकिंग करता है। हो सकता है कि आपने एक वीडियो अभी अपलोड किया है एंड उसको आपने सपोज किसी सोशल नेटवर्क साइट में शेयर कर दिया है, किसी दूसरे जगह में आपने शेयर किया है, अपने फ्रेंड्स को बोला है, तो इसीलिए हो सकता है कि इनिशियल 2 hours में उसका व्यूज लेवल ज्यादा है, 2 दिन में ज्यादा है, लेकिन 7 days में सपोज उसका जो व्यू है वो डिक्रीज हो गया है। तो इससे यूट्यूब को पता लगता है कि जो इनिशियल व्यूज थे वो जेन्युइन व्यूज नहीं थे, इसलिए उसको ज्यादा रैंकिंग नहीं मिलता है। अच्छा रैंकिंग मिलने के लिए इसलिए आपका कंटेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है ताकि आपको आफ्टर 7 days भी व्यूज मिले एंड इसके ऊपर बेस करके यूट्यूब एक वीडियो को रैंकिंग देता है। 6 जो सबसे बेसिक एंड सबको जो पता है वो है सब्सक्राइबर्स के ऊपर डिपेंड करना। अगर आपके वीडियोस में आपके चैनल में सब्सक्राइबर ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपके वीडियो को जो है वो ज्यादा हायर रैंक मिलेगा बाकी वीडियो के कंपैरिजन में। तो आशा करता हूं कि यूट्यूब वीडियो एसईओ के ऊपर ये 6 ट्रिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इन ट्रिक्स को या फिर इन फैक्टर्स को अपने वीडियोस में जरूर इंप्लीमेंट करें और देखें कि किस तरह से रैंकिंग चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन कौन सा जो ट्रिक है या फैक्टर्स है आप अपने वीडियोस में इंप्लीमेंट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को जरूर क्लिक करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।